झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, ना कहने से काम नहीं चलेगा, हंसने से काम नहीं चलेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में विल नॉट हेल्प। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हेल्प। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, टेलिंग अ लाई विल नॉट हेल्प, टेलिंग अ लाई विल नॉट हेल्प। न कहने से काम नहीं चलेगा, सेइंग नो विल नॉट हेल्प, सेइंग नो विल नॉट हेल्प। हाँ कहने से काम नहीं चलेगा, सेइंग यस विल नॉट हेल्प, सेइंग यस विल नॉट हेल्प। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं, वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हंसने से काम नहीं चलेगा, लाफिंग विल नॉट। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पुदीना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है, व्हाट डू वी कॉल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन इंग्लिश प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट इन इंग्लिश, व्हाट डू वी कॉल इट इन इंग्लिश। उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल दैट इन इंग्लिश, व्हाट डू वी कॉल दैट इन इंग्लिश। पुदीना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल पुदीना इन इंग्लिश, व्हाट डू वी कॉल पुदीना इन इंग्लिश। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं, वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल आम इन इंग्लिश, What do we call arm in English? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। पकौड़े को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पकौड़े को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। मेरे मुंह मत लगो, उसके मुंह मत लगो, अपने पापा के मुंह मत लगो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है, डोंट प्लस आर यू प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे मुंह मत लगो यानी मेरे साथ बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू विद मी, डोंट आर्ग्यू विद मी। उसके मुंह मत लगो यानी उसके साथ बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू विद हिम, डोंट आर्ग्यू विद हिम। अपने पापा के मुंह मत लगो, डोंट आर्ग्यू विद योर फादर, डोंट आर्ग्यू विद योर फादर। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। That can be really helpful for you. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं, वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारे मुँह मत लगो, हमारे मुँह मत लगो यानी हमारे साथ बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू विद अस, डोंट आर्ग्यू विद अस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। अपने दोस्त के मुँह मत लगो, अपने दोस्त के मुंह मत लगो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। वो लाहौर के लिए निकल पड़ा, वो काम के लिए निकल पड़ा, वो खेलने के लिए निकल पड़ा, वो स्कूल के लिए निकल पड़ा। इन जुमलों को गौर से देखो, इस जुमले हम
अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं नेकल पढ़ना, यानी हर सेंटेंस में नेकल पढ़ना कामन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सेट आउट टू। सेट आउट टू मीन नेकल पढ़ना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन, सब्जेक्ट प्लस सेट आउट टू प्लस वर्ब प्लस आईएनजी या नाउन प्लस अदम वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। वो लाहौर के लिए निकल पड़ा। वो लाहौर के लिए निकल पड़ा। ही सेट आउट टू लाहौर। ही सेट आउट टू लाहौर। वो काम के लिए निकल पड़ा। ही सेट आउट टू वर्क। ही सेट आउट टू वर्क। वो खेलने के लिए निकल पड़ा। ही सेट आउट टू प्लेइंग। ही सेट आउट टू प्लेइंग। वो स्कूल के लिए निकल पड़ा। ही सेट आउट टू स्कूल। ही सेट आउट टू स्कूल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो सीखने के लिए निकल पड़ा। वो सीखने के लिए निकल पड़ा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी वहाँ जाने का वक़्त नहीं आया है। अभी उससे बात करने का वक़्त नहीं आया है। अभी खाना खाने का वक़्त नहीं आया है। अभी तुमसे मिलने का वक़्त नहीं आया है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वक़्त नहीं आया है, यानी हर सेंटेंस में वक़्त नहीं आया है कामन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स नॉट द टाइम टू। इट्स नॉट द टाइम टू मीन वक़्त नहीं आया है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन, इट्स नॉट द टाइम टू प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदम वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। अभी वहाँ जाने का वक़्त नहीं आया है। इट्स नॉट द टाइम टू गो देयर। इट्स नॉट द टाइम टू गो देयर। इट्स ये इट्स का शॉर्ट फॉर्म है। अभी उससे बात करने का वक़्त नहीं आया है। इट्स नॉट द टाइम टू टॉक टू हिम। इट्स नॉट द टाइम टू टॉक टू हिम। अभी खाना खाने का वक़्त नहीं आया है। इट्स नॉट द टाइम टू हैव फूड। इट्स नॉट द टाइम टू हैव फूड। अभी तुमसे मिलने का वक़्त नहीं आया है। इट्स नॉट द टाइम टू मीट यू। इट्स नॉट द टाइम टू मीट यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। अभी बोलने का वक़्त नहीं आया है। अभी बोलने का वक़्त नहीं आया है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले। तुम होते कौन हो उसका मजाक उड़ाने वाले। तुम होते कौन हो उसको बुलाने वाले। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। हु द हेल आर यू प्लस टू प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले। हु द हेल आर यू टू आस्क मी। हु द हेल आर यू टू आस्क मी। तुम होते कौन हो उसका मजाक उड़ाने वाले। हु द हेल आर यू टू मेक फन ऑफ हिम। हु द हेल आर यू टू मेक फन ऑफ हिम। तुम होते कौन हो उसको बुलाने वाले। हु द हेल आर यू टू कॉल हिम।
हू द हेल आर यू टू कॉल हेम, बिल्कुल हम इस फार्मूले स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं, वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम होते कौन हो उससे बात करने वाले, तुम होते कौन हो उससे बात करने वाले, हु द हेल आर यू टू टॉक टू हिम, हु द हेल आर यू टू टॉक टू हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना, तुम होते कौन हो उससे मिलने वाले, तुम होते कौन हो उससे मिलने वाले। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।